من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. बुजुर्गों और प्यारे भाइयों, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 33, 34 और 35 की तिलावत आपके सामने की गई है। पहली जो आयत है उसका तर्जमा ये है कि और जिस शख्स के कत्लों को अल्लाह ने हराम करार दिया है उसको नाहक कत्ल न करो, और जो शख्स जुल्मन कत्ल कर दिया गया हो हमने उसके वारिस को इख्तियार दिया है तो उसको भी चाहिए कि कत्ल करने में हद से तजावुज न करें, और याद रखें कि अल्लाह की तरफ से उसको मदद दी गई है। जैसा कि गुज़िश्ता कल कहा गया था कि इन आयात में इस्लामिक सोसाइटी के उसूल बयान किए जा रहे हैं कि इस्लामिक सोसाइटी कैसी हो। आज एक आठवां हुक्म हमारे सामने है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बहुत बड़ा हुक्म नाज़िल फरमाया कि कोई भी किसी आदमी को बगैर किसी उज्र के कत्ल न करे, खून खराबा न करे। किसी को नाहक कत्ल करना, किसी का खून करना अल्लाह रब्बुल इज्जत के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सारी दुनिया की तबाही ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के नज़दीक हल्की चीज़ है एक मुसलमान के नाहक कत्ल के मुकाबले में। एक तरफ किसी मुसलमान को बगैर किसी कुसूर के कत्ल किया जाए और एक तरफ सारी दुनिया को तबाह कर दिया जाए, तो दोनों में एक मुसलमान को नाहक कत्ल करना इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत को ज़्यादा गुस्सा आता है। एक मुसलमान की जान इतनी ज़्यादा कीमती है। और इसी हदीस के अंदर आगे चलकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक नबी ने यह भी फरमाया ये नाहक कत्ल करना कितना खतरनाक है उसके बारे में कि अगर सातों ज़मीन और सातों ज़मीन आसमानों में रहने वाले तमाम सातों आसमानों में और सातों ज़मीनों में रहने वाले तमाम के तमाम किसी नाहक कत्ल में शरीक हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम को सजा देंगे, तमाम को दोज़ख में डालेंगे। इस गुनाह में किसी की माफ़ी नहीं होगी। किसी के नाहक कत्ल में जितने भी शरीक होंगे हर एक को अल्लाह रब्बुल इज्जत सजा देंगे। तो किसी इंसान का नाहक कत्ल करना अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के नज़दीक बड़ी खतरनाक चीज़ है, बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। इसी तरह कत्ल तो खुद आदमी नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा था नाहक कत्ल, दूसरे आदमी ने कुछ बोलकर उसकी मदद की या हौसला अफजाई की कि अच्छा हुआ तूने मारा था, अच्छा हुआ उसका गेम खत्म कर दिया। नाहक कत्ल करने वाले की सिर्फ हौसला अफजाई की अल्फाज के जरिए। तो ऐसे आदमी के बारे में हदीस में आया है कि उस आदमी की पेशानी पर कयामत के दिन लिखा होगा आईसुम मिन रहमतिल्लाह, ये आदमी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद कर दिया गया, अल्लाह की रहमत से मायूस आदमी, इसने कत्ल नहीं किया। नाहक कत्ल करने वाले की सिर्फ हौसला अफजाई की, उसकी ताईद की कि तूने बराबर काम किया, हालांकि वो नाहक कत्ल कर रहा था। तो ये ताईद करने वाले के लिए भी इतना बड़ा गुनाह है कि उसकी पेशानी पर आईसु मिन रहमतिल्लाह
अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ऐसा लिखा गया होगा। और जब ऐसा लिख दिया गया होगा कि अल्लाह की उम्मीद से, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद आदमी है, तो फिर वो आदमी जन्नत में कैसे जाएगा? जब अल्लाह की रहमत से मायूसी हो गया तो ऐसे आदमी का ठिकाना जहन्नम होगा। इसी तरह एक और हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर एक गुनाह के बारे में अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला माफ़ कर दे, मगर वह आदमी जो कुफ्र की हालत में मरा हो अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेंगे। और किसी आदमी ने जानबूझकर किसी मुसलमान को कत्ल किया होगा उसको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ़ नहीं करेंगे। ये इतना बड़ा गुनाह है कि इसकी माफ़ी की कोई शक्ल नहीं, अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाएंगे। अभी एक लफ्ज़ हमने सुना नाहक कत्ल करना, एक है हक की वजह से कत्ल करना और दूसरा है बगैर हक के कत्ल करना। तीन शक्लें ऐसी हैं जिसमें शरीयत ने इजाज़त दी है कत्ल करने की, तीन शक्लें। उसके अलावा जो कत्ल है वो नाहक कत्ल है। पहली शक्ल कि आदमी शादीशुदा होने के बावजूद जीना करे और जीना बाकायदा चार गवाहों के जरिए साबित हो जाए, तो उनकी सजा शरीयत ने ये तय की है, ये नक्की की है कि उनको मैदान में लाया जाए, खड्डा खोदा जाए, आधा जिस्म उसमें छुप जाए, इस तरीके से उनको खड़े किए जाए और पत्थरों के जरिए उनको ख़त्म कर दिया जाए। ये हक की वजह से कत्ल करना है, अल्लाह का हुक्म। उस वक्त उस आदमी का खून हलाल हो जाता है। एक ये। दूसरा, किसी आदमी ने किसी दूसरे आदमी को नाहक कत्ल कर दिया बगैर कुसूर के, तो किसास के तौर पर, किसास यानी बदला, बदले के तौर पर कातिल को कत्ल किया जाएगा, उस वक्त उसका खून हलाल हो जाएगा। और तीसरा, कि एक आदमी पहले मुसलमान था फिर मुर्तद हो गया, वापस काफिर हो गया, मुशरिक हो गया, यहूदी और नसरानी हो गया, फिर उसको समझाया, उसको मोहलत दी, उसके बावजूद भी वो वापस ईमान में नहीं लौटा, तो उसका खून भी हलाल कर दिया गया है, यानी उसको भी मार सकते हैं। लेकिन ये तीनों सजाएं आदमी इंफिरादी तौर पर नहीं दे सकते हैं कि दो आदमी पकड़ के कातिल को मारने चले जाए, इधर से 5-10 को जी हुआ तो चलो आपको ये काम रहा नहीं तो वो मुर्तद हो गया, उसको ख़त्म करके आते हैं, ऐसा नहीं होगा। वहाँ इस्लामी शरीयत होनी चाहिए, कानून में शरीयत नाफिज होना चाहिए, इस्लामिक मुल्क होना चाहिए, बादशाह होना चाहिए और जितने गवाह चाहिए वो सब कुछ साबित होना चाहिए, इकरार होना चाहिए गुनाह का, उसके बाद। और हर कोई ये सजा नहीं दे सकता। अमीरुल मोमिनीन जो होता है, मुसलमानों का जो हाकिम होता है, उसको ये हक दिया है, ये पावर दिया गया है कि वो सजा नाफिज करें और सबके सामने फिर उनको सजा दी जाए। अब ये बदले में कत्ल करने का जो सिस्टम है, वैसे तो जाहिर में ऐसा लगता है कि ये तो खून के बदले खून, पहले तो एक जान गई थी अब दूसरी भी गई, ये तो नुकसान वाला सिस्टम है, नुकसान वाला कायदा है, ऐसा मालूम होता है। और ये जो दूसरे मजहब वाले हैं वो भी शरीयत के इस कानूनी किसास के ऊपर बहुत उंगलियां उठाते हैं, ये तो बहुत खतरनाक कानून है। तो आप आज के ज़माने में तो समझना आसान है कि भाई आदमी खून करता है, कत्ल करता है, अगर वो पावर वाला है, पैसों वाला है, पहुंचा हुआ आदमी है, पहुंच है उसकी, तो आदमी 3-4 महीने में जेल में से भी वापस आ जाता है। तो कत्ल के बदले में कैद करना ये कोई मुनासिब सज़ा नहीं है, बल्कि जो लोग कैद खाने में जाके आते हैं, जेल में जाकर आते हैं, उनके बारे में तो ये मशहूर है कि एक मर्तबा अगर आदमी कैद खाने में जाके आ गया फिर आदमी और जरी हो जाता है और नीदर हो जाता है, फिर उसको खौफ नहीं रहता, फिर वो और गलत काम सीना चौरा करके करता है, उसकी हिम्मत खुल जाती है। तो कत्ल के बदले में कैद ये मुनासिब सजा नहीं है। इसीलिए आए दिन जब ये बलात्कार के वाकयात पेश आते हैं तो उनके जो रिश्तेदार होते हैं, जिस औरत के साथ ये घिनौना काम किया जाता है, उनके जो रिश्तेदार होते हैं वो सजा में क्या मांग करते हैं कि इनको फांसी दी जाए, ये खुद मांग रहे हैं कि मौत की सजा दी जाए, ये मुनासिब सजा है। वरना कैद में तो आदमी 5-10 साल के बाद भी बाहर आ जाएगा और उसमें पूरा इंसाफ नहीं होगा। दूसरी बात कि कैद की वजह से आदमी कत्ल करने से पीछे नहीं हटेगा, क्या कहेगा, कहीं नहीं 5-10 साल जिंदगी के जेल खाने में बिता देंगे, बाकी उसको तो मैं ख़त्म कर दूंगा, ये कोई सजा। उसके मुकाबले में उसको कहा जाए कि अगर तूने उसको कत्ल किया तो बदले में तुझे कत्ल कर दिया जाएगा,
तो अब वो जरा सोचिएगा कि यह तो अपनी जान का मसला है। तो आप खुद सोचिए, खून के बदले में खून वाला कानून यही बराबर है। जिन मुल्कों में ये शरीयत नाफिज है, कानून नाफिज है, उनमें मामूली मामूली बातों पर कोई किसी का खून नहीं करता। जहां किसास लिया जाता है, जहां चोरी में हाथ काटे जाते हैं, वहां चोरी के वाकया पेश नहीं आते। आप सऊदी चले जाइए, अजान के वक्त आप दुकानें देख लीजिए, आपको खुली मिलेगी और मालिक दुकान का मालिक नमाज पढ़ने के लिए चला जाएगा, वहाँ ताला मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ सज़ा क्या है, हाथ काट दिए जाते। तो ये सज़ा सुन के आदमी सोचता है कि भाई एक बार चोरी करूँगा, मेरे हाथ अगर कट गए, पकड़ा गया, तो मेरी तो ज़िंदगी भर की सारी मज़ा ख़त्म हो जाएगी हाथ के बगैर। इसी तरह खून के मामले में भी, कत्ल के मामले में भी लोग ज़्यादा जुर्रत वहाँ नहीं करते। और जहाँ ये कानून नहीं है, वहाँ आदमी सोचता कि 2-5 लाख नहीं थे, बल्कि हमारे गांव में तो क्या बोलते हैं कि 1-2 खेत और बेच देंगे, लेकिन तेरी लाश बिछा दूंगा, यानी खेत और 5-10 लाख का बेच देंगे और 5-10 लाख लेके छूट के आ जाएंगे, खौफ नहीं रहता सजा का। तो खून के बदले में कैद की सजा, ये कोई मुनासिब सजा नहीं। उसके सामने शरीयत की जो सजा है, खून के बदले खून, ये बिल्कुल मुनासिब सजा है। और इसीलिए कुरान में सूरह बकरा में कहा, वलकुम फिल किसास हयात या उलिल अलबाब, के किसास में जो तुम कत्ल करते हो उसमें तुम्हारे लिए जिंदगी है, ये अकलमंदो। के खून के बदले खून है, तो वो आदमी खून करने से पहले रुकेगा, सिर्फ कैद होगी या पैसे देने होंगे, जुर्माना देना होगा, तो आदमी जरा भी परवाह नहीं करेगा। तो एक इस्लामिक सोसाइटी के लिए कानून, पूरी दुनिया के लिए कानून है, जिन्होंने अपनाया उनके वहां क्राइम और गुनाह बिल्कुल कम है दूसरे मुल्कों के मुकाबले में। अब अरबों में क्या आदत थी, किसास की शरीयत ने इजाजत तो दी कि कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, दांत तोड़ दिया किसी ने तो बदले में दांत तोड़ दो, अगर आपको बदला लेना है छूट, इजाजत है। कत्ल कर दिया तो सामने एक को कत्ल कर दो। अरबों की क्या आदत थी कि किसी ने एक को कत्ल कर दिया तो इंतकाम और बदला लेने के जोश में 5-6 की लाशें बिछा देते थे, तो एक के बदले 5-10 हो जाते। अब इधर के 5-10 कत्ल हुए तो वो खानदान वाले इनके 5-10 की लाशें बिछा देते थे। और एक खून खराबी का एक न रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाता था। शरीयत ने एक कानून बनाया कि नहीं, एक के बदले 2-3 नहीं, एक के बदले एक। या कभी ऐसा होता कि जिसको कत्ल किया गया वो बड़ा आदमी था समाज का, खानदान का, तो उसके बदले में सामने वालों के 3-4 की लाशें बिछा देते थे। कहा कि नहीं, आपको अगर बदला लेना है तो शरीयत आपको पावर देती है। बल्कि इस आयत में कहा गया, वमन कुतिल मजलूमन, जिस किसी को नाहक कत्ल कर दिया गया, फकत जान नादी वली की ही सुल्ताना, उसका जो वली होगा, मकतूल जिसको कत्ल किया गया उसका वली, उसकी मदद की जाएगी बाकायदा बदला लेने में, किसास लेने में उसकी शरीयत की तरफ से मदद दी जाएगी। और ये मदद कौन करेगा, हाकिमी वक्त करेगा, कि कातिल को पकड़ कर वो लाएंगे और लाने के बाद जिसको मारा गया उसके रिश्तेदारों के हवाले इसको करेंगे कि आप बदले में इसको कत्ल करना चाहे तो कर सकते हैं। और अब वो कत्ल करेगा तो उसके अंदर जो इंतकाम और बदले की आग होगी वो ठंडी हो जाएगी। और बहुत सी मरतबा क्या होता है कि जब जालिम अपने आप को किसी के हवाले कर देता है, सामने वाले के हवाले कर देता है, तो फिर वो आदमी का दिल भी नरम हो जाता है, कभी कभी तो उसको माफ कर देते हैं। उसके जो वली है, उसके जो रिश्तेदार है मकतूल के, जिसको मार दिया गया उसके रिश्तेदार माफ करना चाहे तो माफ भी कर सकते हैं। इसलिए कुरान ने हमें कहा, वला तुफिल किसास हयात, अगर ये खून के बदले खून का सिस्टम न होता तो ये खून और खून खराबा रुकने वाला नहीं था, बल्कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता। आगे फरमाया अल्लाह ताला ने, फला युसरिफ फिल कत्ल, ये मकतूल यानी जिसको कत्ल कर दिया गया उसके रिश्तेदारों को पावर तो दिया है, लेकिन उनके लिए भी जायज़ नहीं है कि जुल्म करे कातिल पर। अच्छा तूने मेरे भाई को कत्ल किया, मैं तुझे कत्ल तो करूँगा लेकिन पहले तेरे कान काट लूँगा, नाक काट लूंगा और तुझे तरपा तरपा की मारेंगे। कहा कि नहीं, जुल्म का बदला जुल्म से नहीं, इंसाफ से। उसने जान ली है, आप जान ले लो, ये खत्म कर दो, बात खत्म कर दो, लेकिन आप उसको कत्ल करने से पहले कान काट ले, नाक काट ले, दांत तोड़ दे, पिटाई करे, ये जायज नहीं है। फला युसरिफ फिल कत्ल, इसमें भी इसराफ जायज नहीं है। शरीयत ने एकदम चौखवट कर दी, साफ कह दिया, इन्नहु काना मंसूरा, जब तक आप शरीयत ने जो हक दिया उसके मुताबिक बदला लेंगे वहां तक तुम्हारी मदद की जाएगी।
और अगर आपने इसराफ किया, तजावुज किया कि इसने तो सिर्फ कत्ल किया था, तुमने उसके नाक कान काट लिए, आंखें फोड़ दी, तब तुम जालिम बनते, ये मजलूम हो गया। जो कातिल था पहले जालिम था, वो मजलूम हो गया। अब ये बाकायदा केस दाखिल करेगा अदालत में, इस्लामिक कोर्ट में, कि मेरे कान काटे गए, नाक काटे गए, मैंने तो ऐसा नहीं किया था, तो अब ये मजलूम है, कानून इसकी मदद करेगा, अब तुम जालिम बन गए। इसलिए खून और ये किसास के मामले में भी शरीयत ने हमें कहा कि इंसाफ से काम लेना है, उसमें भी किसी पर ज़र्रा बराबर ये नहीं करना है, जुल्म नहीं करना है। इन नहुम का मंसूरा, तो इस आयत के अंदर, आयत नंबर 33 के अंदर किसास का हुक्म बयान किया गया कि तुम्हारे किसी रिश्तेदार को नाहक कत्ल कर दिया गया है, तो पहले तो आखिरत के अतबार से बहुत बड़ा गुनाह है। उसकी दो तीन वईदें हमने सुनी, रिवायतें सुनी, हदीसें सुनी, और उसका सिस्टम भी हमने सुन लिया कि एक को कत्ल किया है तो हाकिम में वक्त के सामने मुकदमा दायर किया जाएगा, हाकिम वक्त अपने सिपाहियों को, पुलिस को ऑर्डर करेंगे, उस आदमी को लाया जाएगा, बाकायदा गवाहों की गवाही से खून का जुर्म, कत्ल का जुर्म उसके ऊपर साबित हो जाएगा, तो फिर उसके जो वारिस हैं, उसके रिश्तेदार हैं मकतूल के, उसके हवाले उसको किया जाएगा, और वो उससे बदला लेना चाहे तो ले सकते हैं, और अगर माफ़ करना चाहे माफ़ कर सकते हैं, और कुछ पैसा वगैरह लेकर भी मसला हल करना चाहते हैं, खून बहा दिया तो भी इनको हक है। उसके बाद वाले आयत में वला तकरबू माल अल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन। अब मुस्लिम समाज और मुआशरे में, सोसाइटी में कुछ लोग यतीम भी होंगे जिनके माँ बाप इनके नाबालिग होने की हालत में दुनिया से रुखसत हो गए, उनको यतीम कहते हैं। अब मान लो कि यतीमों के पास कुछ माल है, बाप मर गया उसकी मीराश में से कुछ मिला, माँ मर गई उसमें से कुछ मिला उसकी मीराश में से, चाचा मामाओं ने कुछ दिया था वो है, लेकिन ये हैं छोटे बच्चे, नाबालिग हैं, नाबालिग होने की वजह से उनका कोई सौदा काबिले कबूल नहीं होता, शरीयत उसको मोतबर नहीं मानती। अब उनका पूरा सिस्टम कौन चलाएगा? उनके जो रिश्तेदार हैं वही, जिनको कहते हैं चाचा है तो चाचा, चाचा नहीं है तो मामा, बाप नहीं है तो दादा, ये सब लोग जो उसके वली हैं, नाबालिग और यतीम जो है उसका पूरा सिस्टम और पूरा कंट्रोल उनके हवाले किया जाएगा। अब जिनके हवाले किया गया उनसे कहा जा रहा है कि वला तकरबू माल अल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन, यतीम के माल के करीब भी मत जाना। ऐसा नहीं कि ये तो छोटा बच्चा है, इसको क्या समझ पड़ेगी, बाप मर गया 5 लाख रुपए इसके हिस्से में आए हैं और चाचा ने लिए अपने पास, लाओ ये बच्चा यतीम है, मैं अपने पास रखता हूँ, मैं सही जगह उसको लगाऊंगा, और फिर 5 लाख आ गए, कौन पूछने वाला है मेरे को, उसमें से कभी 50,000 की गाड़ी ले ली, 20-25,000 का खुद के लिए मोबाइल ले लिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये धंधे मत करना, यतीम के माल के करीब भी मत जाना, इल्ला बिल्लती ही अहसन, मगर उस तरीके से जो अच्छा हो, यानी आप उस पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी नीयत ये है कि उससे जो कुछ भी नफ़ा मिलेगा यतीमों को दूंगा, उनका फ़ायदा होगा, उनकी दौलत बढ़ेगी, यहाँ तक कि जब वो बड़े और बालिग हो जाएंगे तो उनके लिए ढेर सारे पैसे होंगे, ज़्यादा उनके लिए सहूलत हो जाएगी, इसलिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप मौज मस्ती में कह ले बेटे तू भी खा रहे मैं भी खाऊँ तेरे पैसे में से, और अच्छे से अच्छे होटलों में पैसे उड़ा और यतीम को भी थोड़ा बहुत खिला दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि बहुत बड़ा गुनाह है। हत्ता यबलुगा अशुद्दा, यतीम का माल उसके वली के पास कब तक रहेगा? जब तक कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाए। अब जवानी को पहुंचने की मुफस्सिरीन ने अलग अलग अकवाल नकल किए हैं, बाज़ों ने कहा कि जब वो बालिग हो जाए तब उनको उनके पैसे वापस दे दो, अब वो अपना मामला खुद हल कर सकता है। बाज़ों ने कहा कि नहीं, 18 साल तक अपने पास रखें, बालिग तो 15 में होता है लेकिन 18 साल तक वली अपने पास उसका कारोबार रखें और उसकी देखभाल करें और उसको आगे बढ़ाने की फिक्र करें, और बाज़ों ने कहा 25 साल तक, बाज़ों ने 30 साल तक कहा और बाज़ों ने कहा 33 साल तक। बहरहाल सूरह निसा पारा नंबर 4 में इनके बारे में है, वबतदुल यतामा हत्ता इदा बलगुन निकाह, कि जो यतीम है उनका माल तुम्हारे पास है, तुम उसकी देखभाल कर रहे हो, संभाल रहे हो, तो वक्तन फौरक्तन यानी कभी कभी उनको आजमाते रहो, कभी 50 रुपये लेकर दुकान भेज दिया, फिर देखो कि वो सौदा किस तरीके से करता है, नुकसान उठाता है या फिर समझता है नफे नुकसान को, नफे नुकसान को समझता हो जाए तो बालिग होने के बाद उसका जो माल है उसके हवाले करो, और जब हवाले करो उस वक्त दो आदमियों को गवाह भी बनाओ, कल उठ के बड़े होकर ये सबके सामने ये नहीं कहे कि चाचा मेरे पैसे खा गए, मामा मेरे पैसे खा गए, मेरे अब्बा ने जो मिलकर छोड़ी थी, अम्मी ने छोड़ी थी, इन्होंने ले लिया, ऐसा ना हो। दो बड़े और समझदार एक दीनदार आदमियों को क्या बनाओ, उसके ऊपर गवाह बनाओ, ये सिस्टम कुरान ने बयान फरमाया। और ये जो देखभाल कर रहा है,
अब जाहरी बात है कि यतीमों के माल को इन्वेस्ट करना तो उसके पीछे आपको टाइम भी देना पड़ेगा, भागदौड़ भी करनी पड़ेगी, तो वो कुछ अपनी मेहनत ले सकता है, मजदूरी मेहनताना। तो कुरान ने चौथे पारे में सूरह निसा में बयान फरमाया कि अगर वो आदमी मोहताज है, चाचा के हाथ में सब कुछ है लेकिन चाचा खुद मोहताज है, तो वो मजदूरी ले सकता है, मारूफ और मशहूर, ज़्यादा भी नहीं कि 10 रुपये का काम किया और 100 रुपये ले लिए, ऐसा नहीं, 100 का काम किया 500 रुपये ले लिए, ऐसा नहीं, जो आम उर्फ में चलता हो उतनी मजदूरी आदमी खुद अपने वास्ते लेना चाहे तो, क्योंकि वो अपना वक्त निकाल कर काम काज छोड़ कर उसके काम के लिए निकला है। ऐसे ही मुफ्त में आपको खिदमत करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मोहताज हैं तो आप ले सकते हैं, और अगर आपको अल्लाह ने दिया है वही इंताफ हो, और अगर आप 1 रुपया भी ना ले तो उनका ये तो बहुत अच्छा है, वरना अगर कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन कानून के मुआफिक जितना होता हो उतना। वाउफू बिल अहद, एक और हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाज़िल फरमाया, अहद यानी वादे, जिनको हम कहते हैं एग्रीमेंट, उनको पूरा करो। इन्नल अहद काना मसूला, जितनी किस्म के वादे हैं उनके बारे में कल कयामत के दिन पूछा जाएगा कि तुमने वादा किया था उसका क्या किया। वादे दो तरह के, एक तो आदमी वादा करता है अल्लाह के साथ, और दूसरे वादे होते हैं मखलूक के साथ। अल्लाह के साथ वादा, जैसा कि आदम अरवाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सब की रूहों को जमा किया था और वहाँ अहद लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, उस वक्त सबने कहा था बला, कौलू बला, हाँ आप हमारे रब। अब जो वादा किया फिर अब दुनिया में आए तो उस वादे के मुताबिक अमल करो, अल्लाह को एक मानो, वहाँ बोल के आए थे कि तू ही रब है, तो यहाँ आकर फिर दूसरों को माबूद न बनाओ, दूसरों की पूजा और इबादत न करो, अल्लाह की इबादत करो। अगर आपने इस वादे को पूरा नहीं किया कल कयामत के दिन आपसे पूछा जाए। तो कुछ वादे तो बंदा अल्लाह के साथ करता है, उसको भी पूरा करना ज़रूरी है, और कुछ वादे वो हैं जो बंदा दूसरी मखलूक यानी अपने जैसे बंदों के सामने करता है, उसमें से भी जो जायज़ वादे हैं उनका पूरा करना ज़रूरी है। वादे में असल दोनों तरफ की बात होती है, दो आदमी मिलकर कोई बात तय करे कि मैं आपको 1 रुपये दूंगा बतौर हदीये के या यूं ही, और वो कहते हैं ठीक है, अब ये वादा पूरा करना ज़रूरी है। मैंने सिर्फ आपको यूँ कह दिया कि दूंगा, फिर मैंने आपको नहीं दिया, तो इस देने का जो वादा किया था उसके बारे में मुझसे सवाल किया जाएगा कि आपने वादा किया था आपने पूरा क्यों नहीं किया। इसलिए छोटा मोटा किसी से वादा करे उसमें भी एहतियात से काम ले, ऐसा नहीं कि अभी खाली दिल बहलाने के वास्ते और राज़ी करने के वास्ते, जैसे छोटे बच्चों के साथ हम करते हैं कि रोते हो तो चलो अभी मैं चॉकलेट लेके आता हूँ, फिर बच्चा भी भूल जाता है, बाप भी भूल जाता है। ये सब चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला पूछेंगे। अब कोई सामान खरीदा, भाई पैसे कब देंगे, कि 1 तारीख को दे दूंगा, पगार होगी वैसे 1 तारीख को आपको पैसे दे दूंगा। अब आपने 1 तारीख को पैसे नहीं दिए तो आपने वादा खिलाफी की, आपसे इसके बारे में सवाल होगा कि आपने 1 तारीख का वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं किया। ये वादों को हम बिल्कुल सीरियस नहीं लेते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, पूरा करे तो ठीक, ऐसी बात नहीं है। ये भी बहुत बड़ा हुक्म है कुरान का, वादों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। वो एक रिवायत हम सुनते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के साथ कुछ मामला किया था तिजारती लाइन से, वो सामने वाले आदमी ने क्या कहा कि आप यहाँ रुको मैं अभी आता हूँ, कुछ रकम वगैरह लेने के वास्ते घर गए। अब उसने वादा किया मैं आता हूँ तुम रुको, वो आदमी गया घर और भूल गया, फिर 3 दिन के बाद उसको याद आया, 3 दिन के बाद कि मैं तो हुजूर को वादा करके आया था कि आप यहाँ रुको मैं आता हूँ, और उसे यकीन था कि हुजूर वहाँ होंगे। 3 दिन के बाद वापस आकर उसने देखा तो हुजूर वहाँ उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो आदमी अब माफ़ी मांगने लगा, हुजूर ने कहा कि तूने मुझे परेशान कर दिया 3 दिन से मैं यहाँ, ये है कि वादे की पाबंदी, वादे को पूरा करना, हमारी तरह ने कि खाली कह दिया और दिल में बिल्कुल इरादा नहीं होता है तो ये झूठ भी हो जाएगा, उसका गुनाह अलग से होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वाउफू बिल अहद, वादों को पूरा करो, इन्नल अहद काना मसूला, वादों के बारे में कयामत के दिन पूछोगी ऐसे ही छोड़ नहीं दिए जाओगे। वाउफुल कैल इज़ा किल्तुम वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तकीम, और चीज़ों को जब वजन करके या नाप करके तुम लो और दो तो पूरा पूरा नाप तोल करके दो, वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तकीम, सीधी तराजू से तोलो, डंडी मत मारो, सामने वाले का हक मत मारो। हर वो तरीका जिससे सामने वाले का हक मारा जाता हो वो इसके अंदर दाखिल है।
और ऐसे लोगों के लिए बहुत खतरनाक वईद है। वईलुल लिल मुतफ़िफ़ीन, सूरह मुतफ़िफ़ीन हम सुनते हैं मगरिब की नमाज में, कि उनके लिए जहन्नम है जो नाप तोल में कमी करते हैं। दूसरी जगह फरमाया वईदा कारुहुम अव वज़नुहुम युक्सिरुन, जब लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, एक ईंच इधर उधर वो कांटा नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा लेते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो फिर नाप तोल में कमी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए वही वही के बारे में मुफस्सिर ने फरमाया कि जहन्नम में एक वादी और घाती है, उसमें वो लोग रखे जाते हैं जो नाप तोल में कमी करते हैं। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक और हुक्म आया कि वजन में और नाप तोल में बिल्कुल कमी मत करो, ज़ालिका खैरुन वा अहसनु तअवीला, आप पूरा पूरा नाप कर देंगे और तोल कर देंगे ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अच्छी चीज़ है, एक तो आप पूरा पूरा तोल कर देंगे तो आखिरत में आपको सवाब मिलेगा, आखिरत का फ़ायदा, और दुनिया में आपकी शोहरत होगी कि भाई नाप तोल में तो फुला है, क्या कहते हैं, थोड़ा झुकता देता है, थोड़ा ज़्यादा देता है, उसकी शोहरत होगी। तो 5 लेने आए हैं, दूसरे 15 को भेजेंगे भाई दुकान माल तो वहाँ से लेने, नाप तोल में आदमी बहुत कम है, तो ये दुनिया में तुमको फ़ायदा और आखिरत में तो फ़ायदा मिलेगा ही, सवाब मिलेगा ही, नाप तोल पूरा पूरा दिया। और अगर आपने नाप तोल में कमी की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसका भी जवाब देना पड़ेगा। ये सारा सिस्टम कि कोई किसी को नाहक कत्ल न करे, ये समाज के लिए ज़रूरी है, मुआशरे में शांति के लिए ज़रूरी है, अमन अमान के लिए ज़रूरी है। फिर यतीमों का माल कोई नाहक खा न जाए, ये मुस्लिम सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, ताकि यतीमों का हक न मारा जाए और फिर वो दूसरों के हक छीनने की कोशिश में न रहे और बराबर शेड्यूल चलता रहे, सिस्टम चलता रहे। और इसी तरह मुस्लिम सोसाइटी में नाप तोल में कमी नहीं होनी चाहिए, और जिस कौम में नाप तोल में कमी की जाती है आसमानों से बारिश रोक दी जाती है, फिर वो कौम कहकशाली में मुबतला होती है और फिर तरह तरह के अजाब आते हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उसमें एक तो शिर्क था, अल्लाह को नहीं मानते थे, अल्लाह के साथ दूसरे माबूदों की पूजा करते थे, और एक बहुत बड़ी बीमारी नाप तोल में कमी करने की। शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया, वो नहीं माने, नाप तोल में कमी करना उन्होंने नहीं छोड़ा, बल्कि अपना हक समझते थे। और कुरान ने इसको नकल किया, कहते कि शुएब तू कौन होता है, हम अपने माल में जो चाहे कर, हम जितना नापे जितना तोले तू कौन कहने वाला। तो फिर उनका अंजाम क्या हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको हलाक कर दिया। तो नाप तोल में कमी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उससे हलाकत आती है। तो आज के सबक में 3 हुक्म हमने पढ़े, नाहक कत्ल से बचना है, और अगर कोई नाहक कत्ल करता है तो उसको रोकना है, अगर रोक सकते हो जिस तरीके से भी। इसी तरह यतीम के माल में बहुत एहतियात से काम लेना है। और तीसरा हुक्म है नाप तोल में कमी करने से अपने आप को बचाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कई सुनी बातों पर हमें